गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक अपना कंप्लीट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और सिंपल सा टॉपिक है, जैसे कि अपने 10th 11th जो भी अपने टॉपिक अभी अब तक अपनों ने कंप्लीट किए हैं, जैसे एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्कोहल फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, उन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें कॉमन जनरल सी जो बातें होती हैं वही अपने आज फिर से करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। और उसके बाद अपने करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुणधर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुणधर्म में जैसे कि आपको पता है अपने 2 टाइप की पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक तो सोलुबिलिटी, विलेयता, और दूसरा पॉइंट अपने पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। देखो, जब अपने विलेयता की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला ये होता है। और अगर अपने बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल है वाटर के अंदर या नहीं है, तो अपने कैसे पता करेंगे कि अगर ये सोल्यूबल है तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है, तब तो ये सोल्यूबल होगा, वरना नहीं होगा। तो आपने इसमें एक बात ध्यान रखनी है, सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि कार्बन 4 तक के जो एलिमेंट हैं वो तो सोल्यूबल होते हैं, और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है वाटर में। क्यों होती जाती है? क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, जैसे C5, C6, C7, C8, ऐसे इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स या अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बनाएंगे, तो उनमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप, ये जितना बिग होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये वाटर रिपेलेंट शो करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। क्या शो करता है? रिपल्शन शो करता है। तो जैसे जैसे आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है, वो बड़ा होता जाएगा, या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, परमाणु, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो विलेयता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। छोटा सा सिंपल सा पॉइंट, बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों ने यहाँ पर। और अगर अपने कहते हैं कि कार्बन 4 तक जो के एलिमेंट सॉरी कार्बन 4 तक के जो कंपाउंड हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं, तो उसका रीजन एक ही है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच जो है, और एच ओ और एच, इसमें क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो सोल्युबिलिटी का रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सोल्युबिलिटी डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है कि वाटर रिपल्शन ग्रुप है, जल प्रतिकर्षी होता है। तो जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। बट कार्बन 4 तक ये क्या शो करता है? सोल्युबिलिटी शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस यहीं पर एक कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर अपने कंपेरिजन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या अपने बात करें एल्केन या बात करें ईथर या अगर अपने कंपेरिजन करें एल्कोहल से, किससे कंपैरिजन करें? एल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एल्केन, ईथर या एल्कोहल, इन सब में सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका रीजन क्या है? अब आप लोगों ने 2nd चैप्टर पढ़ा था अगर आपको याद है तो, सॉल्यूशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होता है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, अंतरआणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। और वो कैसे बनता है? देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच, इस टाइप का मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर ए जो दो अपनी बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पर
जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो कितने बन जाते हैं, दो। देखो एक तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो इसकी मॉलिक्यूल जो हैं वो एक बहुत, अगर अपनी बात करें कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। या हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आप लोगों ने अल्कोहल की बात की थी, किसकी बात की थी, अल्कोहल की, तो अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसमें एक ही टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। या जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कितना होता है, ओनली वन, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो इन दो बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, आकर्षण बल ही तो है। तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अपने को बहुत अधिक इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। कंपैरिजन देन किसका कंपैरिजन करें, एल्केन ईथर और अल्कोहल का अगर अपने कंपैरिजन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्केन, ईथर और अल्कोहल, अगर अपने ये चार मॉलिक्यूल्स दिए हुए हों या चार एग्जांपल अपने को दिए हुए हों, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं डाइमर, क्या बोलते हैं, द्विलक, द्विलक बोलते हैं इसको। तो इसके क्या होगा कि टू मॉलिक्यूल्स और उसमें कितने बॉन्ड बन जाएंगे, टू टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो जिससे क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, बस ये सिंपल से पॉइंट थे, आप लोगों ने इतना ही पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि कितने टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो देखो और इसमें जो, जैसे कि कल अपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस किया था, तो उसमें आप लोगों ने जितने मेथड्स डिस्कस किए थे वो लगभग ऑलमोस्ट जितने भी थे वो अपने पहले जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं आप लोगों ने, उसमें आप दोबारा से देखें आज फिर आपने, ठीक है। तो उसी टाइप क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी रिएक्शन हैं वो भी क्या आ जाएंगी, बहुत सी रिएक्शन रिवाइज होने लग जाएंगी। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कितने टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज अपने शो करेंगे वो करेंगे एल्काइल ग्रुप के लिए, ठीक है। और सेकंड किसकी होगी, सेकंड होगी पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो मतलब रिएक्शन किसकी बनाएंगे अपने, एल्काइल ग्रुप की। सेकंड रिएक्शन किसकी बनाएंगे अपने, कार्बोक्सिलिक एसिड की। फिर अपने एक टाइप की रिएक्शन ये देखेंगे कि जहाँ पर ओ और एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। फिर अपने एक रिएक्शन ऐसी देखेंगे जहाँ पर सी और ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो वन टू थ्री और फोर टाइप के अपने जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इनका क्लासिफिकेशन चार्ट बनाते हैं अपने। आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने एक चार्ट की फॉर्मेशन करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं इनको, ठीक है। तो देखो इसके लिए कितने टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है आर की, मतलब एल्काइल ग्रुप की। सेकंड अपने डिस्कस करेंगे सी ओ ओ एच ग्रुप की, और थर्ड अपने डिस्कस करेंगे कौन सी की, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप की, जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है। और फोर्थ अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ये थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट अपने डिस्कस करेंगे जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच ये बॉन्ड ब्रेक होता हो, ठीक है। तो फर्स्ट एल्काइल ग्रुप की, इसमें अपने सिर्फ एक ही रिएक्शन देखेंगे और वो एक नेम रिएक्शन है और उसका नेम होता है, अलग सा नेम है, ये रिएक्शन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, उसका नेम है हेल वुल हार्ड जेलिस्की रिएक्शन, हेल वुल हार्ड जेलिस्की अभिक्रिया, ठीक है। ये एक ही रिएक्शन देखेंगे अपने, इसका नेम है, ये नेम रिएक्शन है, जितनी भी नेम रिएक्शन आई है उनको अलग से याद करना है आप लोगों ने, हेल वोलार्ड जेलिस्की रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अपने सेकंड टाइप की जो रिएक्शन देखेंगे वो है रिडक्शन, इसमें देखेंगे अपने रिडक्शन अप चेन। सेकेंड देखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन,
डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, और थर्ड रिएक्शन देखेंगे वो एक नेम रिएक्शन है, उसका नेम है स्मिट रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया। ओके, उसके बाद अपने इसमें जितने भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट में, वो आप लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है, याद करवाता हूँ मैं आपको। इसके फर्स्ट रिएक्शन अपने देखेंगे PCl3 / PCl5 SOCl2। ओके, और सेकंड रिएक्शन देखेंगे अपने एस्टरीकरण। थर्ड रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे और वो होगी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ क्या एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, उसके बाद अपने फोर्थ रिएक्शन देखेंगे अपने रिएक्शन विद अमोनिया। और फिफ्थ रिएक्शन जो होगी इसकी, वो लास्ट रिएक्शन होगी। ये जितने भी रिएक्शन अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किए हैं ये सब अपने पढ़ चुके हैं, तो लास्ट रिएक्शन देखते हैं अपने कौन सी है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, ओके। उसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन है, ये भी आप लोगों ने डिस्कस की हुई है काफ़ी सारी, बहुत बार आपने पढ़ी हुई है, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर पढ़ी हुई है। इस टाइप की जो रिएक्शन है वो आपने अल्कोहल और फिनोल में पढ़ी हुई है, और जब आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब अपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, चाहे COOH का ब्रेक करें चाहे OH का ब्रेक करें, तो उसमें जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद मेटल, मेटल मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन करेंगे अपने Na2CO3 से रिएक्शन, रिएक्शन विद Na2CO3। और थर्ड रिएक्शन अपने डिस्कस करेंगे वो होगी रिएक्शन विद बेस, बेस मतलब चार, ठीक है। ये अपना एक सिंपल सा चार्ट है, तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन आप लोगों के लिए नहीं है, पहले जितने भी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपने डिस्कस की हुई है, ठीक है। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, इसमें सिर्फ एक अपने नई मेथड पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ी हुई, ये रिएक्शन नई है बिल्कुल, ये सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है और ये सारी रिएक्शन भी आप लोगों की पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि अगर आप 10th और 11th चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो 12th और 13th चैप्टर अपने आप होता जाएगा, क्यों, क्योंकि 12th और 13th चैप्टर में आपने सिर्फ ये पता करना है कि टॉपिक कौन कौन से डिस्कस करने हैं, बाकी जितनी भी रिएक्शन आएंगी वो सब क्या होंगी, रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है, मतलब वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13th, लगभग 12 या 13th रिएक्शन आप लोगों ने यहाँ पर नोट की है, तो इसमें सिर्फ 1 और 2 ये 2 रिएक्शन ही ऐसी हैं जो आप लोगों की नहीं पढ़ी हुई, बाकी सारी रिएक्शन आप लोगों ने यहाँ पर इससे पहले पहले जितने टॉपिक्स आए थे उनमें डिस्कस कर ली है। चलो अपने स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट रिएक्शन वो है हेल-बोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। देखो इसका जितना बड़ा नेम है उससे बहुत ही इजी रिएक्शन है ये, हेल-बोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है, एक बार मैं इनको रफ कर रहा हूँ। हेल-बोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन में क्या करेंगे, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड है अपने पास RCH2COOH, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं X2 के साथ इन द प्रजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराऊंगा मैं किसी भी हैलोजन के साथ, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है उसकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, कौन से हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो रिएक्शन बहुत ईजी है,
क्या करेंगे अपने माइनस एच एक्स कर देंगे। एच कहाँ से, यहाँ से एच निकलेगा, कहाँ से, अल्फा हाइड्रोजन वाला एक एच रिमूव हो जाएगा और एक एक्स रिमूव हो जाएगा, और जहाँ से एच रिमूव करेंगे उसकी जगह अपने क्या लगा देंगे, एक्स। तो देखो आर सी एच सी ओ ओ एच, और यहाँ पे क्या लगा देंगे अपने एक्स, ठीक है। और ये रिएक्शन यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाती है, कब, अगर आपने ये जो दोनों रिएक्टेंट, दोनों जो अभिकारक लिए हैं, इनको एक अनुपात एक में या 1:1 में लेते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। बट अगर अपने इनको 1:2 में लेते हैं, मतलब ये जो हैलोजन है ये इन एक्सेस लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा लेते हैं इसकी, फिर रिएक्शन थोड़ी सी एक स्टेप आगे और चलती है, एक्स टू, फिर से यहाँ से माइनस एच एक्स हो जाएगा, एच कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन वाला, तो अपने को क्या मिलेगा, आर सी एक्स एक्स और सी ओ ओ एच, ठीक है। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजन डेरिवेटिव मिल जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हैलोजन व्युत्पन्न, बस ये सिंपल सी रिएक्शन थी। इसका नेम है हेलवोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जितना बड़ा नेम है उतनी बड़ी तो रिएक्शन है ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल इजी सी रिएक्शन है, ओके। ये होगी कंप्लीट। अब अपने सेकंड टाइप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और वो कौन कौन सी है, देखो उसमें एक रिएक्शन नई आएगी आपके लिए, डी कार्बोक्सिलेशन वाली, इनको नोट कर लेते हैं अपने साथ साथ, दोबारा से रिविजन हो जाएगा। देखो कौन कौन सी रिएक्शन थी अपने पास, एक तो थी रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन और स्मिथ रिएक्शन, इसका इसके तीन पार्ट थे, यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, रिडक्शन अप चेन फर्स्ट, सेकंड है डीकार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, और थर्ड है स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपने रिडक्शन, ठीक है। अब आपको ये पता है रिडक्शन की, आपने एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक कॉमन सी रिएक्शन थी, बहुत ही अधिक बार आप लोगों ने पढ़ ली। तो देखो आपको पता है कि जब अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो उससे पहले आता है एल्डिहाइड या कीटोन। अगर अपने वीक रिएजेंट की वीक जो रिडक्टिंग एजेंट होंगे, मतलब जो दुर्बल अपचायक पदार्थ होंगे, उनकी प्रेजेंस में अगर अपने रिडक्शन कराते हैं तब तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, और अगर अपने स्ट्रॉन्ग एजेंट लेते हैं तब अपने को मिलता है एल्केन। क्या मिलता है, एल्केन। तो देखो आर सी ओ ओ एच का रिडक्शन कराता हूँ मैं एच आई एंड रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एच आई और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब मैं रिडक्शन कराता हूँ, यहाँ पर अपने को चाहिए 6HI, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, R और रुको एक बार, पहले अलग करते हैं अपने, H2O हो जाएगा, I2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, RCH3 ये बनेगा। H कितने हैं, 6, 3 इसके साथ लगे, 1, 2 और क्या बना, H2O, ठीक है। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, एल्केन। तो रेड फास्फोरस, ये मैंने बैलेंस नहीं किया इक्वेशन, ठीक है, अपने आप करोगे, अब तक आप लोग सीख के होगे बैलेंस करनी। रेड फास्फोरस और एच आई की प्रेजेंस में जब अपने रिडक्शन कराते हैं तो अपना प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, एल्केन होता है, ठीक है। और अगर मैं यही रिडक्शन आर सी ओ ओ एच का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कराता हूँ तो 4H ऐड करने हैं अपने को, कितने एच रिडक्शन में क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं या किस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, 4H करेंगे तो यहाँ पे R CH2OH और प्लस में H2O, जो 4H हैं वो कहाँ हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। R C के साथ कितने H ऐड कर दिया अपनों ने, 2 CH2OH, ये जो ऑक्सीजन था ये बाकी के जो 2H बचे हुए उनके साथ क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं अपने इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फास्फोरस तो अपने का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, एल्केन। और अगर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का अब चेन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब अपने को मिलता है अल्कोहल। क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने अब तक पढ़ ली है।
ठीक है। अब अपने देखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, देखो ये मेरे पास आर सी ओ ओ एच है, इसका मैं डी कार्बोक्सिलेशन कराता हूँ, वी कार्बोक्सिलीकरण कराता हूँ सोडा लाइम की प्रेजेंस में। सोडा लाइम क्या होता है, एन ए ओ एच, एन ए ओ एच प्लस सी ए ओ का मिक्सचर जो होता है उसे सोडा लाइम बोलते हैं अपने, ठीक है। एन ए एच और सी ए ओ का मिक्सचर होता है, ये आपको ये जानना है, 3:1 में यूज करना होता है। तो 3:1 में जब यूज करते हैं तब इसको सोडा लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है। तो देखो वी कार्बोक्सिलीकरण करना है, वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या है कि जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से CO2 बाहर निकालनी है, CO2 को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। तो देखो अपने क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा R और H, इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी, क्या बचेगा, R और H, ठीक है। तो अपने पास RH मतलब अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एल्केन, और इधर क्या है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, CaO रिएक्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना सिर्फ NaOH ही रिएक्शन करेगा। तो ये है NaHCOOO3, ठीक है, साथ में क्या मिल जाएगा अपने को, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो ये अपना जो डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है अपने को, एल्केन मिलता है, ओके, और साथ में क्या मिल जाता है, NaHCO3। ये जो है डी कार्बोक्सिलेशन, ये अगर मैं सोडियम साल्ट की प्रेजेंस में कराता हूँ तब क्या मिलता है, देखो अपना प्रोडक्ट क्या बनाते हैं अपने, अगर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तब तो अपना प्रोडक्ट ये बनता है, और अगर अपने यूज करते हैं RCOONA, ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है ये, इसका अगर अपने NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं तब अपने को मिलता है R और H, R और H प्लस में बाकी जो बचा हुआ है सब Na2COOO3, तो Na2CO3, ठीक है। तो अगर अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, एल्केन मिलता है, मेन प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी एल्केन है बट जो को प्रोडक्ट बन रहा है वो ये, यहाँ तो है सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसी रिएक्शन में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, बिल्कुल नई रिएक्शन है, और वो है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे विद्युत अपघटनी विधि। तो देखो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है और वो है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो क्या करेंगे अपने इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन पता है क्या आप लोगों को, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत अपघटन, हिंदी में बोलते हैं इसे देखो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ कोलबे, ये डी कार्बोक्सिलेशन का सेकेंड पार्ट है ऐसे मानो, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, अच्छे से समझ लेना अभी तक आई नहीं है ये, फर्स्ट टाइम अपने पढ़ रहे हैं इसको, विद्युत कोलबे विद्युत अपघटन, ठीक है। देखो क्या करते हैं, अपने को चाहिए RCOONA सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें अपने वाटर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक सेल के अंदर करवाते हैं। देखो सेल क्या, ये अपने पास कोई भी कंटेनर है, इसमें कैथोड एनोड लगा है, इसे अपने बैटरी से जोड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर अपनों ने क्या फिल कर दिया, इसके अंदर अपनों ने ये जो RCOONA प्लस H2O मिक्सअप कर दिया। तो जब अपने कोई भी सॉल्ट होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में। किसी भी लवण का जब अपने विद्युत अपघटन करते हैं मतलब उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है कि वो जो सॉल्ट होता है, वो जो लवण होता है वो अपने आयन में डिवाइड हो जाता है। देखो
अब इसके कौन कौन से आयंस बनेंगे, सबसे पहले इसके बनाते हैं अपने आर सी ओ ओ नेगेटिव प्लस में एन ए पॉजिटिव, और एच टू ओ जो है वो भी किस में चेंज हो जाता है, आयन में, कैसे कैसे, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के आयंस मिले, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो कोलबी इलेक्ट्रोलाइसिस है इसमें आप लोगों ने ये चेक करना है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले अपने देखते हैं रिएक्शन ऑफ कैथोड, रिएक्शन ऑफ कैथोड। तो देखो यहाँ पर अपने पास आर सी ओ ओ नेगेटिव है, क्या है यहाँ पर आपके पास आर सी ओ ओ नेगेटिव, तो अपने को 2 मोल जब आर सी ओ ओ नेगेटिव कैथोड के पास आएंगे, कितने मोल, 2 मोल सी आर सी ओ ओ नेगेटिव एसीटेट आयन बोल सकते हैं अपने इनको, ये जब कैथोड के पास आते हैं तब यहाँ से आर और आर मिलता है और सी ओ टू गैस जो है CO2 ये जो गैस है ये फ्री होती है, ठीक है। मतलब कैथोड पे अपने को कौन सी गैस मिलती है, CO2, और प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्केन। देखो अब अपने सिर्फ इसको तो यूज कर लिया, अब अपने बात करते हैं एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। एनोड पे क्या होता है कि यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन है वो उसके पास आएंगे H पॉजिटिव, और जब 2H पॉजिटिव उसके पास आ जाएंगे तो वो जो H पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में, ठीक है। तो देखो कैथोड पर तो अपने को मिला एल्केन और CO2 और एनोड पे अपने को मिला H2 गैस, ठीक है। अब क्या बच गया, एक तो Na बच गया और एक क्या बच गया, OH यहाँ पर अपने पास बचा हुआ है। तो देखो Na पॉजिटिव प्लस OH जो नेगेटिव है वो मिलकर क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। तो जब अपने कोई भी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसका जलीय विलयन का जब अपने विद्युत अपघटन करते हैं तो अपने को कितने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, देखो एल्केन CO2 H2 और NaOH, ये इतने टाइप के अपने को क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। ये जो मेथड है इसे बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस या कोलबे विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर आपसे इसमें पूछे जाएगा तो आपसे ये पूछे, पूरी टोटल रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाएगा कि या तो कैथोड या एनोड की रिएक्शन बताओ, ठीक है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस की कैथोड या एनोड की रिएक्शन बताओ, ठीक है। अब अपने लास्ट रिएक्शन करते हैं, वो है स्मिट रिएक्शन। देखो नेम नया है, रिएक्शन बहुत ईजी है, सिंपल सी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करूँगा मैं, नया फॉर्मूला, बिल्कुल रिएक्शन भी नई है और फॉर्मूला भी नया है। यहाँ पर यूज होता है हाइड्रेजोइक एसिड, हाइड्रेजोइक अम्ल, क्या यूज होते हैं, हाइड्रेजोइक एसिड। तो देखो ये रिएक्शन कराते हैं अपने, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अपने N3H है, ये ध्यान रखना NH3 नहीं है, NH3 अमोनिया होता है, N3H हाइड्रेजोइक एसिड होता है, क्या होता है, हाइड्रेजोइक एसिड। तो जब अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रेजोइक एसिड के साथ तो क्या क्या मिलता है, देखो यहाँ पर मेरे को मिलेगा RNH2, देखो R एक H ये यहाँ से एक N मिल जाएगा, ठीक है, RNH2 प्लस में क्या मिलता है, CO2 और प्लस में नाइट्रोजन गैस। देख लो एक N तो यूज कर लिया अपनों ने किस में, एमीन बनाने में, इतने H बच गए, यहाँ पर 2H रह गए ना, वो जो दोनों H है सॉरी 2N रह गए, वो दोनों N जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इधर क्या CO2 ये अलग हो जाएगा, तो ये अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है, एमीन, क्या मिलता है, एमीन मिलता है, ठीक है। तो देखो स्मिट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है हाइड्रेजोइक एसिड, नेम लिख लेते हैं अपने हाइड्रेजोइक एसिड, हाइड्रेजोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्रेजोइक अम्ल होता है ये N3H, बिल्कुल नई रिएक्शन, नया फॉर्मूला,
ठीक है। अब अपने करते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन। तो देखो थर्ड टाइप की रिएक्शन मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार अपनों ने कर ली, आप लोग खुद करोगे। रिएक्शन के नेम देखते हैं अपने, जैसे थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है उसमें फर्स्ट रिएक्शन है PCl3, PCl5 या SOCl2। ये रिएक्शन आपने कम से कम 4-5 बार अब से पहले पढ़ चुके हो। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, ये भी आप पढ़ चुके हो। थर्ड जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ये जितनी भी रिएक्शन है ये अपने आप करना बुक से, क्योंकि पहले ये हो चुके और बहुत ज़्यादा बार हो चुकी है। ऐसे नहीं एक ही बार हुई है, जो एक बार रिएक्शन हुई है उनको तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। जो बहुत अधिक बार होगी उनको मैं नहीं करूँगा, अपने आप करना। नहीं समझ में आता फिर मेरे से कंसल्ट करना आप लोग। फोर्थ रिएक्शन करेंगे अपनी रिएक्शन विद अमोनिया। और फिफ्थ रिएक्शन जो है, टेबल तो आपको पता ही होनी चाहिए, फिफ्थ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ये सब की सब रिएक्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कहाँ कहाँ पर पढ़ चुके हो। एस्टरीफिकेशन पता नहीं कितनी बार पढ़ ली, ये रिएक्शन विद अमोनिया भी पढ़ ली, ये फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है वहाँ पे पढ़ी हुई है, PCl3, PC5, SOCl2, ये वाली जो रिएक्शन है ये आपने अल्कोहल में पढ़ी थी, वहाँ पर अल्कोहल के साथ रिएक्शन थी और यहाँ पर किसके साथ है, RCOOH के साथ रिएक्शन है। बस वहाँ पर तो आप लोगों ने RCOOH के साथ रिएक्शन की थी, यहाँ पे RCOOH के साथ रिएक्शन करनी है, इतना ही फर्क है। बाकी बिल्कुल सेम एज इट इज चलेगी, तीनों रिएक्शन एक साथ कर लेना। उसके बाद लास्ट जो रिएक्शन है उसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल धातुओं के साथ अभिक्रिया। सेकंड जो रिएक्शन है वो है Na2CO3 के साथ रिएक्शन। और थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद बेस। बेस मतलब चार, ठीक है। ये रिएक्शन मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं अपने सोडियम के साथ, कितने मोल सोडियम, 2 मोल, तो RCOONa मिल जाता है और H2 गैस क्या होती है, रिमूव होती है। सिंपल सी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। और इसी टाइप ये रिएक्शन है, अगर आपको याद आ गई होगी कि जब अपने अल्कोहल में भी आपने ये रिएक्शन डिस्कस की थी, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखो RCOOH प्लस Na2CO3, रिएक्शन क्या होगी, RCOONa सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एक एसिड यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पहले से क्या है Na2CO3, तो NaHCO3 बन जाएगा, NaHCO3, ये एच रिमूव होगा वो इसके साथ मिल जाएगा। लास्ट रिएक्शन देखो वो है रिएक्शन विद बेस, जब RCOOH की रिएक्शन कराता हूँ मैं NaOH से, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है H और H2O, तो RCOONa मिल जाता है और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, H2O रिमूव हो जाता है। तो ये जितनी भी रिएक्शन मैंने अभी जल्दी जल्दी अपन आप लोगों ने की हैं वो सब की सब रिएक्शन आप लोगों की पहले पड़ी हुई है। ये इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं कराया, आप लोग खुद करके तो देखो, होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं करा रहा, बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ लिया आप लोगों ने। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और शायद कल अपना लास्ट जो लेक्चर है इस चैप्टर का, तो आप साथ साथ पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।